हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं चैनल लाइव विद रेखा शर्मा में आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये दही का जो कंटेनर होता है ये था, और इसमें दही आया था। मेरे ब्रदर जो हैं वो कैटरिंग का काम करते हैं, तो मेरी एनिवर्सरी में वो लेकर आए थे, उन्होंने ही कैटरिंग का काम किया था, तो ये मेरे पास रह गया। तो मैंने सोचा इसकी कोई क्रिएटिविटी कर ली जाए, तो शुरू हो गई। इसको पहले मैंने फेविकोल से और कलर मिला के वाइट उसमें ऐड करके उसको सारे को अच्छी तरह कलर कर दिया, वाइट कलर का बेस बना दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो है कलर है वो उतरता नहीं है। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ ग्रीन कलर, रेड कलर, बारी बारी जितने इसमें बने हुए थे खाने, उस हिसाब से मैंने ईजली कर दिया इसमें पेंट। और तीन चार पेंट हो गए यहाँ इकट्ठे, और उसके ऊपर करने लगी मैं अपनी कोई एक्टिविटी, जैसे कि आप टूथपिक या फिर बर्ड्स वगैरह ले सकते हो, और उससे ऐसे डॉट डॉट्स या कुछ भी डिज़ाइन बना लीजिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम खुद बनाते हैं प्लांटर को, तो जो खुशी हमें उस प्लांटर को बनाने में मिलती है कहीं नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ, ये बहुत बड़ा कंटेनर है, तो इसको मेरे को करने में, इसको कलर वगैरह करने में लगभग एक घंटा लग गया, पर फिर भी बड़ी संतुष्टि मिली करने पे इसको। तो फ्रेंड्स, ऐसे देखिए इतना सुंदर बन गया, कहीं ना कहीं डिज़ाइन छूट जाता था, अब ऊपर छूट रहा था तो ऊपर कर दिया, नीचे छूट रहा था तो नीचे कर दिया। कोई ना कोई जो भी दिमाग में डिज़ाइन आए आप बना सकते हो। तो इस तरह करते करते देखिए यहाँ पर ये पूरा तैयार हो गया है। और फिर जब ये सूख गया तो मैं इसको गार्डन में ले आई, और गार्डन में पहले मैंने पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते जो भी होते हैं वो भर दिए, और उसके बाद मिट्टी डालने लग गई। फ्रेंड्स, ये कंटेनर इतना बड़ा था कि इसमें मिट्टी भी पूरी नहीं पड़ रही थी। उसके बाद मैं शुरू हो गई इसमें प्लांट लगाने। प्लांट में भी मेरे को कई तरह के आइडियाज़ आ रहे थे, यूँ करूँ वो करूँ, पर मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, मनी प्लांट और सिंगोनिया का प्लांट। मुझे जैसे मैंने सब कुछ करके फिर मैंने दो लकड़ियां लगा दी, और मनी प्लांट को वो कर रही थी, सेटिंग करने रही थी, पर नहीं हो पा रही थी। जैसे वो चीज़ भाई अच्छा तो लग रहा था, पर जैसे होता है ना एक परफेक्ट लुक, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। यहाँ मैंने देखो सिंगोनियम का छोटा सा प्लांट भी लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने इसको ऐसे लगाया था कि मनी प्लांट और सिंगोनियम को ऐसे दो लकड़ियों के बीच सहारा देकर किया था, पर वो पसंद नहीं आया तो मैंने इसको बदल दिया। तो फिर मैंने एक बड़ा सा सिंगोनियम का प्लांट लिया और वो लगाया, तो उसकी सेटिंग अच्छी हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। ये अकेला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा है ना ये प्लांट तो अच्छा लग रहा है, कंटेनर बड़ा था तो इस कारण ये ही जचा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो पसंद कर, ओहो फ्रेंड्स क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। कई बार हो जाता है हम दोबारा वापस वीडियो नहीं भाई बोल नहीं पा सकते, क्योंकि इतनी हम बोल चुके होते हैं तो उसको काटना पॉसिबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।